टर्न आउट स्पेस, सपोज कि हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार, ये टोपोलॉजिकल स्पेस टर्न आउट स्पेस उस वक्त कहलाएगी जब इसकी कोई से भी दो हम एलिमेंट ले लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, इन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए एट लीस्ट वन ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू सच दैट इफ एक्स बिलोंग्स टू यू देन वाई डज नॉट बिलोंग्स टू यू, मीन्स के एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो इन दो में से एक को कंटेन करे, इफ एक्स बिलोंग्स टू यू देन वाई डज नॉट बिलोंग्स टू यू, और इफ वाई बिलोंग्स टू से सम सेट यू और वी, कुछ यू भी कोई भी आप सेट ले सकते हैं, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू, means के topological space x star is said to be a Tarnot space if for any two distinct elements x y belongs to x there exist at least one open set Q such that which contains one of x or x and y, means के x और y में से किसी एक को एक open set जो है वो contain करे, इसको ज्योमेट्रिकली इसकी फिगर भी आप बना सकते हैं, मीन्स के अगर से हमारे पास एक्स वाई कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं, ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसमें से ये हमारे पास एक ओपन सेट यू है, सो अगर ये ओपन सेट यू एक्स को कंटेन कर रहा है तो वाई को कंटेन ना करे, मीन्स के वाई इससे बाय हो, या फिर ऐसे हो के y ओपन सेट u में है तो x फिर इसमें ना हो, मीन्स कि x इस ओपन सेट से बाहर हो, सो इस तरह की जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं उनको टर्न आउट स्पेस कहा जाता है, सो इसकी डेफिनेशन ऐसे है, लेट x स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, दिस स्पेस इज सेड टू बी a turn out space if for any two points x y belongs to x such that x not equal to y there exists at least one open set u which contains one of x and y not the other, that is if x belongs to u then y does not belongs to u, or if y belongs to u then x does not belongs to u. Example, let x is equal to a, b, c and tau equal to phi a, a, b, a, c and इसमें एक एलिमेंट और होगा x, क्योंकि x के बगैर ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनेगी, सो शो दैट इट इज अ टर्न आउट स्पेस, कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये टर्न आउट स्पेस है, तो टर्न आउट स्पेस के लिए इसमें एक तो एक्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं, सो टर्न आउट स्पेस के लिए क्या होना चाहिए कि हर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए एटलीस्ट वन ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो उन दो एलिमेंट में से एक को कंटेन करे, तो सबसे पहले ए और बी को देख लेते हैं, फॉर ए नॉट इक्वल टू बी वी हैव एन ओपन सेट ए सच दैट A belongs to the singleton set A, but B does not belong to A. इसी तरीके से for A not equal to C, there exists an open set A. Again, A हम open set ले सकते हैं such that A belongs to singleton set A, but C does not belong to this set. So for A not equal to B and A not equal to C, हमारे लिए open set A है जो कि टर्न आउट स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. नाउ फॉर बी नॉट इक्वल टू सी वी हैव एन ओपन सेट ए बी
आप देख सकते हैं कि ए बी भी एक ओपन सेट हमारे पास मौजूद है, सच दैट बी बिलोंग्स टू ए बी बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी. सो फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए बी वी हैव एन ओपन सेट विच कंटेन्स वन ऑफ ए एंड बी. सो विच इम्प्लाइज एक्स्ट्रा इज अ टा नॉट स्पेस, इसको टी नॉट स्पेस भी आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ग्राउंड सेट में दो एलिमेंट्स हैं ए बी एंड टा इज इक्वल टू फाइव ए एंड ग्राउंड सेट एक्स इज अ टा नॉट स्पेस बिकॉज फॉर ए नॉट इक्वल टू बी वी हैव एन ओपन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट सिंगलटन सेट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए. सो हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं ए और बी और इसके लिए एक ओपन सेट ऐसा मौजूद है जो कि इन दो में से एक की एलिमेंट को कंटेन करता है. नेक्स्ट एग्जांपल है लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड टा इक्वल टू फाइव ए बी एंड एक्स. ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है बट दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट अ टा नॉट स्पेस. उसकी रीज़न ये है कि फॉर एनी फॉर ए नॉट इक्वल टू बी वी डू नॉट हैव एन ओपन सेट विच कंटेन्स वन ऑफ ए एंड बी. सो वी हैव वन ओपन सेट ए बी विच कंटेन्स बोथ ए एंड बी. ए भी इसमें शामिल है और बी भी इसमें शामिल है. इसी तरीके से एक्स भी एक ओपन सेट है जिसमें ए बिलोंग कर रहा है एक्स को एंड बी बिलोंग्स टू एक्स, ए और बी दोनों जो हैं इसको. तो हमारे पास ऐसा कोई ओपन सेट नहीं है जो इन दोनों में से एक को कंटेन करे. सो दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट अ टा नॉट स्पेस.